शुभ प्रभात मेरे प्रिय मित्रों और अध्यापिकाओं, मेरा नाम अदीबा है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने गणतंत्र दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है, तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल भी समझ पाते हैं? जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब हमारे जवान सियाचिन की ठंड में भी अपना धर्म निभाते हैं, भीषण सी तपती धूप में भी कभी नहीं कतराते हैं, इस देश की माटी के लिए एक सांस में कुर्बान हो जाते हैं, तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल भी समझ पाते हैं? कई नेता उनकी इस कुर्बानी पे कुछ विशेष टिप्पणियां कह जाते हैं तो क्यों हम चुप रह जाते हैं? क्यों मौन की चादर ओढ़ के गहरी नींद सो जाते हैं? कैसे उस तिरंगे से नजरें भी मिला पाते हैं, अपने जवान को बस नाम की इज्जत दे पाते हैं, तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल भी समझ पाते हैं? यूँ कहने को तो हम अति देवो भव के नारे भी दिखाते हैं जोर शोर से बतलाते हैं, फिर घर पे आए मेहमान से यूं ही बदसलूकी करते जाते हैं। अपने इस आचरण का कारण उनके कपड़े और उनके सलीखों से बतलाते हैं, तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल भी समझ पाते हैं? अशफाल बिस्मिल भगत सिंह के नारे भी हम जोर जोर से बतलाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, ये भी हम बतलाते हैं, फिर क्यों उन दंगों में हमारे ही भाई मारे जाते हैं? तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल भी समझ पाते हैं? अब इन बड़ी बड़ी बातों को हम यूं ही नीचे झुकला जाते हैं, जहां नारी को पूजा जाता है वहीं पर उस पर बलबलता बरसाई जाती है। ये कैसी सोच है और इसे हम कहां से लाते हैं? क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल भी समझ पाते हैं? धन्यवाद। मेरा नाम उर्वशी है। आज मैं आपको गणतंत्र दिवस पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। भारत देश हमारा प्यारा, सारे विश्व में है न्यारा, अलग अलग है यहाँ रूप रंग, फिर भी सारा जग बोल रहा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हर प्रदेश की अलग जुबान, पर मिठास की है उसमें शान है, अनेकता में एकता पिरोकर, सबने मिलजुल कर देश संवारा, बोल रहा है भारत सारा, हम सबका बस एक नारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद।